संघर्ष की धूप में तपकर सोना बने हुए एक्टर, जिन्होंने न सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि अपनी कॉमेडी से भी दर्शकों के दिलों पर राज किया। जब जब वह पर्दे पर आते, लोगों के लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता था कि वाकई ही वो एक्टिंग कर रहे हैं। अपने संघर्ष के दौर में उन्होंने कभी सब्जियां बेची तो कभी बस कंडक्टर के तौर पर भी काम किया। जाने कौन है वो एक्टर, कौन है वो दिग्गज अभिनेता। आर्थिक तंगी के चलते इस एक्टर ने सिर्फ छठी क्लास तक पढ़ाई की। परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो आगे पढ़कर कुछ नौकरी कर सके, इसलिए पेट पालने के लिए और अपने परिवार के गुजारे के लिए हर छोटा बड़ा काम किया। एक्टिंग में तो उन्हें महारत हासिल था। उनकी एक्टिंग देखकर तो खुद गुरुदत्त भी हैरान हो गए थे और उन्हें अपने सेट से बाहर निकालने वाले थे। इस दिग्गज अभिनेता ने अपने करियर में कई ऐसे रिकॉर्ड दर्ज किए थे जो इनसे पहले किसी ने कायम नहीं किए थे। आइए जानते हैं गजब का स्टारडम पाने वाले एक्टर कॉमेडियन कौन थे। मुस्लिम परिवार में जन्मे वो टैलेंटेड स्टार थे जॉनी वॉकर, जिनके घर परिवार के किसी भी सदस्य का फिल्मी दुनिया से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। उनके पिता तो एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। पिता की नौकरी जाने के बाद परिवार को गुजारा करने में परेशानी होने लगी तो काम की तलाश में वह मुंबई आ गए। बलराज साहनी की वजह से उन्हें एक्टिंग में आने का चांस मिला था। संघर्ष के उस दौर में जॉनी वॉकर ने सिर्फ सब्जियां ही नहीं बेची बल्कि बस कंडक्टर का भी काम किया। वह बस में सवारियों को बैठाने और उन्हें बुलाने के लिए जिस तरीके से बोलते थे, वह अनोखा अंदाज सबका ध्यान खींचता था। वह अपनी कॉमेडी से बस में लोगों को एंटरटेन करते थे। एक बार जब उनकी मुलाकात बलराज साहनी से हुई तो वह गुरुदत्त के सेट पर ले गए। वहाँ उन्होंने शराबी की एक्टिंग की, ये देख गुरुदत्त अपना आपा खो बैठे और उन्हें बाहर निकालने लगे। तब बलराज साहनी ने उन्हें बताया कि वह एक्टिंग कर रहे थे। उनकी एक्टिंग देख वह भी उनके मुरीद हो गए और उन्हें अपनी फिल्म के लिए कास्ट किया। बता दें कि जॉनी वॉकर देश के पहले ऐसे एक्टर थे जिनके नाम से फिल्म बनाई गई थी। इतना ही नहीं, वह इंडस्ट्री के पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपने लिए सेक्रेटरी या मैनेजर रखा था। इसके अलावा संडे को काम ना करने का ट्रेंड भी वही लेकर आए थे। वह हर संडे शूटिंग नहीं करते थे। इसके अलावा उनके नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज है कि वह सिनेमा में कोलोक्वेलिज्म लेकर आए थे, जिसके बाद आम बोलचाल की भाषा से ही वह अपने सिंपल डायलॉग से भी लोगों का मन मोह लेते थे। ऐसे ही अन खबरों को जानने के लिए सुनते रहिए स्टारडम क्रॉनिकल्स विद निक्षय मौर्य, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।